यहाँ पर एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है मौसम तो हमेशा गर्म ही रहता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं लेकिन ठीक ही रहता है, और बारिश भी यहाँ पे जो है बहुत दबा के होती है, लेकिन कभी भी मैंने यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा नहीं देखा जैसे कीचड़ कुचड़। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो ड्रेनेज की व्यवस्था है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, कितनी भी बारिश हो जाए पानी आपको एक जगह पर इकट्ठा नहीं मिलेगा, ना ही सड़कों पर मिलेगा। यहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ हैं आपके ब्लॉक के नीचे से होते हुए जाएंगी और किसी बड़ी नाली में मिल जाएंगी, और उसके बाद जो है कहीं दूसरी जगह बड़े ड्रेनेज में आगे चलते हुए वो निकल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है कभी भी बाढ़ वगैरह ऐसा सीन क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी व्यवस्था की रहती है, जो भी बारिश का पानी है वो आराम से ड्रेनेज हो जाता है। और ये जो घास देख रहे होंगे ना यहाँ पर, इसकी खास बात ये है कि मतलब उपजाऊ काफ़ी है यहाँ की ज़मीन, बारिश ज़्यादा होती है तो मतलब इनको पानी की कमी नहीं होती और हर जगह आपको घास नज़र आ जाएगी, तो इसे ये जो है ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं और जल्दी काट देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मच्छर होंगे। टाइम टाइम पे घास की एकदम कटाई कर देते हैं बारीक, ताकि ये बड़ा ना हो। देखो आप जैसे ऊपर ये बिल्डिंग है ना, बारिश होगी तो बारिश का जो पानी होगा ना सीधे मतलब इधर उधर फैलने के बजाय बिल्डिंग से होते हुए सीधे नालियों में आएगा, और इन नालियों से बहते हुए सीधे इस बड़ी नाली में जाएगा, और ये बड़ी नाली जो है आगे एक और बड़ी नाली में इस नाली से होते हुए पानी जाएगा, जो कि बहुत बड़ी है, और आगे फिर कहीं और वो जो है ड्रेनेज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो पानी इकट्ठा नहीं रहता है। जो मैंने आपको दिखाई ना अभी वो छोटी नाली थी, और ये छोटी छोटी नालियाँ मिलके जो है एक बड़े नाले में जाती हैं, तो वो बड़ा नाला एकदम आगे है थोड़ा, तो उस नाले को दिखाता हूँ मैं आप, और लगा सकते हैं कि कितना पानी जाता होगा बारिश के टाइम पर इस पर। ये देखो एक छोटा पाइप जिससे भी पानी जो है इस बड़े नाले में आता है, और ये बड़ा नाला जो है आगे एक और बड़े नाले में मिलेगा और वहाँ से जो है पानी आगे जाएगा। तो यही एक मेन कारण है कि यहाँ पर जो है ना वो पानी इकट्ठा नहीं होता है। ये देखो ये बड़ा नाला बहुत ज़बरदस्त है, जब बारिश होती है तो मतलब यहाँ पे जो है काफ़ी पानी जमा हो जाता है, इतना पानी जमा हो जाता है कि मतलब ये लगा लो आप, ये बड़ा नाला, ये किसी बरसाती नाले से कम नहीं है। जब यहाँ पे बारिश होती है ना, मतलब जब एकदम मोटी बारिश ज़बरदस्त बारिश होती है तो ये फुल भर जाता भाई, लगा यहाँ से दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है ये, कम से कम इसकी ये दीवार जो है 8-10 फीट है। तो यही एक कारण है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी है यहाँ जो है पानी इधर उधर नहीं फैलता है, एकदम अच्छा सिस्टम बना रखा, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते होंगे छोटी छोटी अंडरग्राउंड कर रखे हैं उन्होंने, जो कि बिल्डिंग के नीचे से पानी सीधा जो है अंडरग्राउंड होते हुए सीधे इस नाले में ही आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये है जो छोटा नाला यहाँ से आ रहा है जो, तो यही यहाँ का एकदम अच्छा सिस्टम है ड्रेनेज का। इतनी बारिश होने के कारण यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा नहीं होता और इधर उधर फैलता नहीं है, सीधा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से नाले में जाएगा और आगे किसी ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा। ये अभी बारिश के बाद का सीन है, मेन नाला ये है जिसमें कि मतलब मेन पानी निकल रहा है, और ये साइड नाला जो कि ऊपर से आ रहा है यहाँ से। सो इस तरह से यहाँ पर जो है पानी इधर उधर बिखरने से तितर बितर होने से बचता है और सीधा एकदम ड्रेनेज जो इसके सीवर सिस्टम है सीधा उसी में जाता है, ना कि इधर उधर होके मतलब फ्लडिंग का रूप लेता है, एकदम सीधे जहाँ पर इनको भेजना हो वहीं पे जाता है ये। सड़क के किनारे भी नालियाँ हैं जिसके कारण पानी सड़कों पर जमा नहीं होता है। अभी मैं यहाँ प्लेग्राउंड में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ही नालियाँ हैं, ये नालियाँ इसलिए कि बारिश का पानी जो जमा ना हो सके और कुछ मतलब खड्डा टाइप का या कोई कीचड़ जमा ना हो सके, इसलिए इन नालियों से होते हुए ये पानी जो सीधा बड़ी जो ड्रेन मैंने आपको दिखाई है उसमें जाता है, और ये यहीं नहीं चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगी, ये नालियाँ हर तरफ हैं। ये जो बिल्डिंग है ना इनके चारों तरफ भी ऐसी नालियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि बरसात का पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है और मतलब बाढ़ जैसे फ्लडिंग जैसे सीन क्रिएट नहीं होता है, पानी आराम से जो है नालियों के अंदर होते हुए अपने ड्रेनेज सिस्टम जहाँ उसको जाना हो वहाँ चला जाता है, और ये काफ़ी सेफ होता है, मतलब इसके ऊपर ग्रिल लगी रहती हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई गिर जाएगा या कहीं टूट जाएगा, और पानी से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है अपने रास्ते गड्ढे में चला जाएगा, मतलब गड्ढे मतलब जहाँ पे उसको जाना होगा ना जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे चला जाएगा। और जब भी आपको घर बनाना हो कहीं भी तो आप इससे कुछ सीख सकते हैं, ताकि बरसात के मौसम में आपके इधर उधर कीचड़ आसपास आंगन में कीचड़ जमा ना हो और आपको परेशान ना होना पड़े। तो घर बनाने से पहले आप इस सिस्टम के बारे में ज़रूर ध्यान दें एक बार, इस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। आप भी जो है अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री में ऐसा ग्रिल लगा सकते हैं ताकि बरसात का पानी जो है आराम से निकल के दूर चला जाए और आपके घर के इधर उधर गंदगी ना फैलाए और कीचड़ ना फैलाए। सो यही मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जिसे कि मतलब हमें सीखना चाहिए और प्रयोग में लाना चाहिए अपने घरों के आसपास या जहाँ भी हम रहते हैं।